और सर बोलना चाहते हैं सबसे पहले जब आपने 21 किलोमीटर का दौड़ सक क्यों चुना उसके बारे में सर क्या है कि हमारा ये मानना है जैसा कि हमारे गांव घर में चलन शब्द एक कहता है वाक्य हम कहते हैं कि ये 19 है ये 20 है तो हमारा ये मानना है सर खतियानी 21 है और इसलिए हमने 21 को चुन लिया 21 आंकड़े को और दूसरी बात है कि हाफ मैराथन भी 21 होता है सर तो हमारे खतियानी 21 हैं और हाफ मैराथन दौड़ सकते हैं अपनी हक अधिकार के लिए इसलिए हमने 21 आंकड़े को चुना और सर इसमें छोटे छोटे बच्चों बच्चियों ने भी बहुत ज़्यादा भाग लिया है इसके बारे में सर आप क्या बोलना चाहते हैं जी बिल्कुल हर एक को सर अपनी नियोजन की चिंता है रोजगार की चिंता है हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आने वाले दिनों में रोजगार नसीब हो उनका जो भविष्य हो वो स्वर्णिम हो अब तक हमारे इन झारखंड प्रदेश के बच्चों को जो कि 22 वर्षों में उन्हें उनके प्रतिभा का सम्मान मिलना चाहिए था नौकरियां मिलनी चाहिए थी उसके लिए कोई नीति बननी चाहिए थी तकलीफ की बात है कि NDA गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई और उसी के अगेंस्ट में लोगों ने अत्यधिक मत देकर यहाँ पर UPA महागठबंधन को चुना और हेमंत जी की सरकार बनाई परंतु तकलीफ देह है और चिंताजनक है दुखद है कि जिस पर लोगों को अति विश्वास था उसने धोखा देने का काम किया ठगने छलने का काम किया और जो नीतियां बनाकर अब तक तमाम रिक्तियों को भरना चाहिए था यहाँ तकरीबन सर 5-7 लाख रिक्ति हैं हर विभाग में तो उसको इन्होंने भरा नहीं और ना ही नियोजन की नीति बनाई खतियान आधारित ना ही हमारी अब तक पहचान की नीति मतलब स्थानीय नीति बनाई खतियान के आधारित ये तकलीफ देह है सर इसीलिए यहाँ पर बच्चे ही नहीं सर देखेंगे आप युवा भी हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं तमाम लोग दौड़ने का काम किए हैं कोई 1 किलोमीटर दौड़ा कोई 5 किलोमीटर दौड़ा कोई 10 कोई 15 कोई 20 कोई 21 किसी ने 21 भी कंप्लीट किए हैं तो तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी भविष्य की चिंता जाहिर कर रहे हैं इस दौड़ में सर बोलना चाहते हैं आप सर पूरे झारखंड में घूम घूम कर हर एक एरिया में दौड़ रहे हैं और आपको सर इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्योंकि हर एक दिन दौड़ना कोई मामूली बात है नहीं तो सर बस आप जैसे लोगों का प्यार है और माँ का आशीर्वाद है ऊपर वाले की कृपा है खतियानियों ने हमें बहुत ही ज़्यादा असीम प्यार जो हम कहते हैं अगाध प्यार उनके द्वारा हमें मिलता है कहीं भी जाते हैं प्यार के दो बोल मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं यही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसी स्रोत के कारण हम दौड़ पाते हैं सर और सर कितने दिनों का दौड़ अभी तक और बाकी है ऐसे 129 दिनों का हमारा दौड़ था 129 दिन में आज हमारे 56वां या 57वां दिन हो चुके हैं बाल बाकी बचे तमाम दिन भी बचे हुए हैं आज सर आपका 56वां दिन था 56 या 57वां था छप्पनवा दिन और सर झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे हैं अब हमारे बीच में उनके बारे में सर क्या बोलना चाहते हैं कि उनकी निधन राजनीति में अपूर्णीय क्षति है जिस तरीके से वो हमेशा खतियान के लिए लड़ते रहे खतियान आधारित स्थान नीति खतियान के आधारित नियोजन नीति की मांग को हमेशा ही हेमंत सरकार में रहकर हेमंत सोरेन जी को कहते रहे और कहीं ना कहीं अब तक नहीं किया जाना उनके लिए भी तकलीफ दे होगा हम तो समझते हैं कि उनका एक निधन का कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जो डिमांड थी उस डिमांड को हेमंत जी के द्वारा नहीं पूरा किया गया और जो उनका कोरोना पीरियड में जो संक्रमण हुआ था लंग्स में और लंग्स उनके फिर से ट्रांसप्लांट किए गए थे तो ऐसे भी वो हमेशा ही कमज़ोर हो गए थे और इसके कारण उनका निधन हुआ उनके निधन से हम काफ़ी आहत हैं भगवान से ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे झारखंडी खतियानी पार्टी का आपने निर्माण किया है तो क्या ये विधान आने वाला विधानसभा चुनाव में
आप अपनी पार्टी से अकेले उम्मीदवार देंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? कोई गठबंधन नहीं सर, क्योंकि एनडीए और यूपीए वालों ने हमेशा सही इन 22 वर्षों में झारखंडियों को मतलब खतियानियों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, हमारे यहाँ के टैलेंटेड बच्चों के टैलेंट को कुचलने का काम किया है। अगर उनको तनिक भी चिंता होती एनडीए और यूपीए वालों को, तो हमारे यहाँ खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करती, तभी हर एक बच्चों को रोजगार मिल पाता और हर घर में खुशहाली आ पाती, हमारा झारखंड समृद्ध और खुशहाल हो सकता। झारखंड 1932 का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग का 1932 का खतियान नहीं है, इसलिए इसको नहीं लागू किया जाए। तो जैसे आपकी गीता कोड़ा जो सांसद हैं, विधायक हैं, सांसद ही हैं अभी, तो उनका आरोप है कि हमारे साइड में 1932 का खतियान ही नहीं है। इस पे क्या पूरे झारखंड को जो सर्वमान्य वैसा क्या जी, जिस तरीके के सर हम तो यही कहेंगे कि कोई 1932, 1908, 1964 ये सारे हमें तिथि नहीं चाहिए। जिसके पास भी खतियान है वो हमारा झारखंड ही है, जिसके पास भी खतियान है वो इस प्रदेश का खतियानी है और वही झारखंडी है, और उसी के अनुरूप जो भी झारखंडी हमारी परिभाषा तय होती है खतियान के आधारित, उसी व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी का अधिकार है। क्या सभी जगह ये जो आपका आप मैराथन दौड़ चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि हर जगह जन जागरूकता चला करके आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को भी इससे जोड़ा जा सकता है क्या? सर ऐसी बात नहीं है, अभी तो पहले हमारा जो पहला टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जिसे हम अचीव करना चाहते हैं कि सरकार खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण करे, ताकि हमारे यहाँ के एक एक युवा युवतियों को नौकरी मिल सके, जिसमें जैसे टैलेंट है उस टैलेंट को उसके अनुरूप उसका पद मिल सके। अगर कोई हमारा बच्चा JPSC क्वालिफाई करने वाला है तो वो JPSC BDO और CEO बनकर पदभार संभाले, अगर कोई टीचर दरोगा बनने वाला है तो वो संभाले, कोई DSP बनने वाला है तो वो अपनी पद को संभाले। हमारे जो 1932 के खतियान को लेकर जयराम महतो भी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनकी सक्रियता बनी हुई है, तो क्या आपको ऐसा सोचना है कि झारखंड का अगर आप विधानसभा चुनाव में उनके साथ तालमेल करेंगे? सर तालमेल की बात अभी कहाँ से आती है, ये हमारी पार्टी है और पार्टी के हमारी अपनी नीति सिद्धांत हैं, बहुत सारे हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, ये तमाम लोग डिसाइड करेंगे। और दूसरी बात है सर कि हम वैसे तमाम खतियानियों को, ठीक है, जो भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं, खतियानी झारखंडी पार्टी उसको वेलकम करती है। और अभी तो चूंकि सर खतियानी झारखंडी पार्टी ही है जो कि बनाई गई है, और तो मैं किसी और दूसरी पार्टी को नहीं जानता हूँ, लेकिन जितने भी तमाम आंदोलनकारी साथी हैं जो इस समर में कूद पड़े हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, खतियान आधारित नियोजन नीति बने, तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं, पार्टी वेलकम करती है। धन्यवाद सर।